जी हाँ नमस्कार। अगर आप PRT, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपको बता दें कि 2020 में लग रहा था कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकलेगी अध्यापकों की विशेष तौर पर, लेकिन जिस प्रोसेस से सरकार आगे बढ़ रही थी, ये लग रहा था कि JBT PRT यानी TGT PGT वालों के सुनहरे दिन आएंगे, लेकिन वो सुनहरे दिन अब गायब हो चुके हैं। एक तो सरकार ने बड़ी पॉलिसी अपना दी कि TGT व PRT में 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, जिससे पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2800 JBT टीचर सरप्लस हो गए हैं, उन्हें रखने की जगह ख़त्म हो गई है, यानी वैकेंसी 2800 लोगों की ख़त्म ही हरियाणा सरकार ने JBT वालों की कर दी है। और यही बुरा हाल TGT वालों पर कर दिया है, TGT पर भी 30 बच्चों पर एक टीचर कर दिया है, जिससे काफ़ी टीचर सरप्लस हो गए हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ बंद हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, जिससे आने वाले समय में बहुत कम वैकेंसी निकलेगी और सीधे तौर पर प्रभाव बेरोजगारों पर देखा जा सकता है। यही आलम PGT का है। PGT की वैकेंसी काफ़ी आनी थी, PGT और TGT की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, दोनों सरकारें शिक्षकों की भर्ती पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि कोरोना वायरस का कहर तो 2020 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले आप यदि पिछले 7 साल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी नई वैकेंसी बड़ी नहीं आई है, न कोई भर्ती आई है जिससे शिक्षकों की भर्ती हो सके, चाहे हरियाणा की हो चाहे फिर दिल्ली की हो। अगर भर्ती आई भी है तो किसी कारण से कैंसिल हो चुकी है, या फिर वो रद्द हो चुकी है, या वो पेंडिंग में है। तो बहुत बड़ा सामना बेरोजगार शिक्षकों को करना पड़ रहा है। आखिर ये सरकार कब जागेगी, कब बेरोजगार शिक्षकों का विशेष तौर पर ध्यान देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार आगे की रणनीति बना रही है, उसके हिसाब से आने वाले समय में 2022 में ही जो है वैकेंसी निकल सकती है, उससे पहले वैकेंसी निकलती हुई प्रतीत नहीं होती है। काफ़ी युवा ऐसे हैं जो अपनी पात्रता क्लियर किए हुए हैं और उनका 2022 तक पात्रता जो प्रमाण पत्र है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट बेरोजगार शिक्षकों पर पड़ेगा। काफ़ी बेरोजगार ऐसे भी हैं, 2022 तक उनकी एज भी चली जाएगी, तो अब क्या होगा, क्या सरकार जागेगी, क्या कुछ छूट देगी, ये सरकार पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। धन्यवाद।